पाकिस्तान में होने वाली है जी बहुत ज्यादा जो है अब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं लेके आया हूँ आप सब दोस्तों के सामने जिसके अंदर आप किसी भी लोकल इन्वर्टरों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, आपस में पैरेलल कर सकते हैं। पहले हमने देखा था इनवेरक्स के या मुख्य कंपनियों के इन्वर्टर होते हैं, उनके अंदर स्पेशल किट लगती है पैरेलल करने के लिए और दो इन्वर्टर आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा तरीका लेके आऊं जिसके अंदर आपको दो इन्वर्टरों को आपस में मर्ज करके दिखाऊं, और ये तरीका है वो जिसके जरिए आपस में मर्ज कर सकते हैं। दोनों आपस में मर्ज है, यानी कि एक इन्वर्टर 500 वाट का, दूसरा 500 वाट का, दोनों मिलकर जो 1000 वाट का लोड उठाएंगे। अगर आपका एक इन्वर्टर खराब हो जाता दूसरे पर चलता रहेगा, अगर आप दूसरे इन्वर्टर पर चलाते हैं तो मैक्सिमम जो है दोनों के ऊपर लोड डिवाइड हो जाएगा। तो ये मुकम्मल तरीके के अंदर मुकम्मल वीडियो है, मुकम्मल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है और एक्सपेरिमेंट को करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मुकम्मल ही वीडियो इसके देखे जिसके जरिए आप किसी भी दो लोकल इन्वर्टर को 500 वाट को 1000 बना सकते हैं, 2000 वाट को 2000 वाट बना सकते हैं, 3000 वाट के इन्वर्टर को मर्ज करके 6000 वाट तक का इन्वर्टर बना सकते हैं। तो ये मुकम्मल जो है तरीका बताऊंगा किस तरह मैंने मर्ज किया है, किस तरह सेटिंग की है, क्या क्या फीचर है, उसके बाद क्या क्या आपने जो है नुकसान नहीं करना। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कामयाब तजर्बा है, पाकिस्तान में कोई नहीं बताने वाला, सिर्फ आपका भाई बताएगा, और इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो अभी दोस्तों टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं इनको बनाना और उसके बाद करेंगे इसको टेस्ट। तो लीजिए दोस्तों ये आ चुके जी हमारे पास दोनों के दोनों जो है सेम कंपनी के सेम जो है इन्वर्टर, दोनों 500 वाट है, दोनों का एक ही मॉडल है, दोनों देखने में आप देख सकते हैं सेम है 100%। ये मेरे पास सेकंड हैंड एक पड़ा था पिछले साल का, ये मैंने नया परचेज किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों को जो भी ये सिस्टम करके दिखाऊं, जो भी इसके कनेक्शन करके दिखाऊं, वो दोनों सेम इन्वर्टर के हों, ताकि वो मार्केट से जब भी इन्वर्टर नया लेने जाओगे उनको यही लगे कि भाई मुख्तलिफ कंपनियों के क्या लेने, एक ही कंपनी के दो इन्वर्टर लेकर उनको मर्ज कर लो। तो इसलिए मैंने सेम कंपनियों के इन्वर्टर लिए, एक मैंने अपना पहले वाला रेडी, उसके बाद एक नया ले आया, दोनों सेम है, दोनों के 100% दे सकते हैं, क्वालिटी फ्रेश है और दोनों ही जो है सेम चीज है और दोनों ही 500 वाट के इन्वर्टर है, साइड फ्रंट सब कुछ दे सकते हैं, टोटली जो है 500 वाट में। एक मेरे पे यूज है, एक जो है ब्रांड न्यू है। तो इन दोनों को करना है जी मर्ज। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले काम करना है कि हमने दो काम करने, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर से सारा बोर्ड निकाल लेना है और उसके बाद इसके अंदर से वायर्स निकालिए जो आपस में मर्ज होंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं अन जो है डिसअसेंबल और फिर इसकी जो है करते हैं वायरिंग। तो अगर आपको फिर भी वायरिंग ना समझ आए तो वायरिंग की डायग्राम मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, वहां देख लेना, वरना आप वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको बोर्ड को निकाल लेता हूं। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं दोनों के दोनों इन्वर्टर को ओपन ने कर लिया है जी। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट साइड है, दोनों की फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक है, यहाँ पर फैन है वगैरह है, सब कुछ है। अब पहले बात काम ये करना है दोनों की 12 वोल्ट की वायर जो बैटरी में जाती है उन दोनों को मर्ज कर लेना है। उसके बाद दो एक्स्ट्रा वायर है जो हमने इसके साथ मर्ज करनी है जो इसमें काम आएंगे। सबसे पहले 12 वोल्ट की दो बैटरी हैं पहले मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद जो दो पैरेलल करने के लिए वायर के लिए जो कनेक्शन करने वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम 12 वोल्ट की कर लेते हैं मर्ज। तो लीजिए दोस्तों भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये काम किया कि दोनों की जो बैटरी वाली तार है जमा माइनस की, इसको इसके साथ अटैच कर दिया और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। तो दोनों की जमा माइनस की वायर जो है आपस में हो चुकी हैं जी पैरेलल, और अभी हम सिर्फ दो ही तारें बाहर निकालेंगे जिसको हमने बैटरी में लगा के इसको चलाना है। तो एक तो काम ये हो गया, अब दो वायर और निकाले जो कि हमने इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए दो वायर को अटैच करना है जी इस कैपेसिटर के साथ। ये कैपेसिटर स्पेशल लगा होता है जी आपके हर इन्वर्टर के ऊपर जो कि आपके डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर डीसी जो है आपके वोल्टेज आ रहे होते हैं 400 वोल्ट, तो ये 400 वोल्ट का स्पेशल कैपेसिटर हर इन्वर्टर में लगा होता है। तो इसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव है और दूसरे इन्वर्टर का जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर है उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है और फिर ये आपस में हो जाएंगे मर्ज। और फिर हमने इसके ऊपर लोड डाल के चेक करना है दोनों के ऊपर आखिर ये दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं, दोनों के ऊपर लोड सही चल रहा है या नहीं, तो ये भी चेक करेंगे। तो इन दोनों को हम जरा जोड़ लेते हैं और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे।
तो लीजिए जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मैंने कर दिए हैं दोनों को मर्ज, दोनों के हाई वोल्टेज के कैपेसिटर की जो वायर है यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है मोटा, और इसके साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है मैंने दूसरे साइड पे कैपेसिटर के हाई वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया है और दोनों आपस में मर्ज कर दिया है। अभी हमने इनमें मर्ज करने का तरीका यह है कि दोनों के 12 वोल्ट की वायर को आपस में मर्ज कर देना, दोनों के हाई वोल्टेज कैपेसिटर को मर्ज कर देना और फिर जाके आपके ये इन्वर्टर मर्ज होंगे। अब बारी आ चुके हैं इनको वापस फिट करते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं लोड चला के आखिर ये इनके ऊपर लोड चलता है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों दोनों इन्वर्टर हो चुके हैं रेडी, आपस में कर दिया है मर्ज और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट की वायर आपस में कनेक्ट कर दी गई है, दोनों को 12 वोल्ट करके एक 12 वोल्ट की बाहर निकाली ताकि एक ही तार से दोनों चला सकें और दोनों की हाई वोल्टेज की वायर जो है वो अटैच कर दी। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव हाई वोल्टेज की वायर एक कैपेसिटर से होती हुई दूसरे कैपेसिटर में अटैच है, तो दोनों की भी हाई वोल्टेज वायर आपस में अटैच है, 12 वोल्ट वायर है और दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। पहले इसके ऊपर सिंगल सिंगल के ऊपर हम ये चला के चेक करेंगे बल्ब आखिर दोनों काम करते हैं या नहीं, और इकट्ठा चला के चेक करेंगे फिर ये बल्ब खराब होता है या नहीं, आपस में सड़ते हैं या नहीं, और उसके बाद इसके ऊपर ड्रिल मशीन चला के चेक करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आपस में मर्ज हुए। इसके लिए मर्ज करने के बाद हमने इसको अटैच करना है बैटरी के साथ, तो जल्दी से मैं इसको यहां पर बैटरी के साथ अटैच कर लेता हूं। तो लीजिए जी बैटरी के साथ अटैच हो चुके हैं हमारे इन्वर्टर। अब पहली बार ये है, पहले हम ये राइट वाले इन्वर्टर को चलाएंगे फिर हम लेफ्ट वाले को चलाएंगे। सबसे पहले मैं चलाता हूं राइट वाले को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ भाई दोनों बेहतरीन काम कर रहे हैं, पहला इन्वर्टर तो सही काम कर रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं हुआ, ना सड़ा है ना कुछ हुआ। इसको कर देता हूं बंद और उसके बाद बारी आ चुकी है दूसरे इन्वर्टर को, तो दूसरे इन्वर्टर को चला के चेक कर लेते हैं। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डन भाई, दूसरा इन्वर्टर भी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, फैन चल रहा है, दोनों का सब कुछ चल रहा है और मैं आपको दिखाता हूं कि किसका फैन वगैरह किस तरह काम कर रहा है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं इसका फैन चल रहा है बड़ा बेहतरीन तरीके से, एक इन्वर्टर काम कर रहा है, दूसरा इन्वर्टर का फैन बंद है। मैं दूसरे को भी पावर ऑन कर देता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि उसका फैन बंद तो नहीं है। वेल डन भाई, माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से दोनों के दोनों इन्वर्टर आपस में मर्ज हैं और दोनों के दोनों इन्वर्टर आपस में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बेहतरीन तरीके से दोनों इन्वर्टर काम कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। अभी हम इसके अंदर से यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं अपने बल्ब को और पहला इन्वर्टर भी बेहतरीन काम कर रहा है, दूसरा भी। तो ये लीजिए भाई दोनों इन्वर्टर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों के दोनों जो है कामयाब तजर्बा हो चुका है। भाई ऐसा तजर्बा अभी तक किसी ने नहीं किया पूरे पाकिस्तान में, आपके भाई ने पहला तजर्बा किया, दोनों इन्वर्टर को कर दिया है जी मर्ज और मर्ज करने के बाद दोनों के दोनों बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी यहाँ पर दिखाया तो दोनों इन्वर्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर भी देख सकते हो दूसरी साइड पर भी ये फैन चल रहा है और पहला इन्वर्टर बंद है, दूसरा इन्वर्टर बंद है, दूसरा इन्वर्टर भी चल रहा है, पहला भी चल रहा है, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, बल्ब चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और ये पड़ी है मेरी बैटरी। अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर जो है बल्ब शलब के अलावा भी कुछ और लोड चलाने का, तो वो भी चला के चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको निकालता हूं आप देखते हैं फैन की स्पीड बिल्कुल फास्टेस्ट स्पीडों में से एक स्पीड हो जाती है। अभी हम दोनों को बंद करते हैं, ये दोनों को बंद कर दिया, दोनों बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अब बारी आ चुकी है सबसे ऊपर पहले वाले इन्वर्टर के ऊपर ड्रिल मशीन चलाने की, कि आखिर ड्रिल मशीन इसके ऊपर चलती है या नहीं। भाई नहीं, ड्रिल मशीन चल रही, एरर देने लग जाता है। जैसे मैं चलाता हूं फौरन एरर आया था, तो उसके बाद मैं दूसरा इन्वर्टर भी ऑन कर देता हूं। तो जैसे ही दूसरा इन्वर्टर ऑन किया आते लगता है ड्रिल मशीन बेहतरीन तरीके से चलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर मैं इसका पहला इन्वर्टर दोबारा बंद कर देता हूं, एक इन्वर्टर बंद कर दिया और जैसे मैं दूसरा चलाऊंगा तो भाई दूसरा भी बेहतरीन काम कर रहा है और दोनों इन्वर्टर के ऊपर जो है आसानी से दोनों सब कुछ चल रहा है और बड़ा बेहतरीन तरीके से हमारे दोनों के दोनों इन्वर्टर कामयाब हो चुके हैं। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, दोनों इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट करा के दिखा दिया भाई, एक इन्वर्टर के ऊपर जो है हमने बल्ब चलाया, दूसरे पे भी चलाया, दोनों को मर्ज करके चलाया, उसके बाद एक इन्वर्टर पे ड्रिल मशीन चलाई नहीं चल रही थी, जैसे ही दूसरा ऑन किया दोनों का लोड डिवाइड हो गया और हमारा इन्वर्टर जो है बेहतरीन तरीके से दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो भाई ये बेहतरीन सा आसान सा तरीका, इसको घर में ट्राई करके चेक कर लेना, बेहतरीन काम करता है। अगर आप इस तरह के जो है काम करके अपने इन्वर्टर को बढ़ाना चाहते हैं पावर तो बढ़ा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया और पाकिस्तान में ऐसी चीजें कोई भी नहीं बताएगा, आपका भाई बताएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, और मैं इंशाल्लाह और नई वीडियो लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।